I'm your chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with Shahina Venus HGTV. और आज क्या बन रहा है? और आज बन रहा है बहुत ही मजेदार सा जो है वो शाम की चाय के साथ बनने वाला टी टाइम स्नैक्स बना रही हूँ मैं. और मेरे और आपके हम सबके फेवरेट हैं और पाकिस्तानी कुजीन से बिलोंग करते हैं, तो आज यहाँ बन रहे हैं आलू के समोसे और साथ साथ हम बनाएंगे उनके एक डिप. और डिप जो है वो मैं बनानी आज आपको सिखाऊंगी और वो बहुत ही डिफरेंट डिप है लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही मिनटों सेकेंडों में बनने वाली है. अच्छा जी, आलू के समोसे हम यहाँ बना रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप लोगों के भी ये फेवरेट हैं और शाम की चाय के साथ हम लोग जो है वो जरूर मंगवाते हैं. अच्छा जी, आ जाते हैं आलू के समोसों के इंग्रेडिएंट्स की तरफ. तो मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ. तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आलू के समोसों की डो कैसे बनती है. जैसे कि आप लोगों को कीमे के समोसे और साथ साथ डिफरेंट स्टाइल के समोसे रोल बनाने आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसकी मांडा पट्टियां जो होती हैं वो हम बाज़ार से ले लेते हैं, लेकिन आलू के जो समोसे होते हैं उसकी मांडा पट्टियाँ अवेलेबल नहीं होती, वो हमें खुद ही बनानी होती हैं. तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसकी डो भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी. और उन्हीं उसी की डो से अगर आप चाहें तो आप नमक पारे भी फ्राई कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 kg मैदा, यानी कि फ्लावर लिया है मैंने 1/2 kg की क्वांटिटी मेरे पास यहाँ मौजूद है. साथ साथ मैंने 1/4 cup घी लिया है. आप कोशिश करें ऑयल ना हो, आपने घी लेना है. जो इसकी डो में हम जो डालेंगे उसमें ऑयल ना यूज़ करें, आप घी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो 1/4 cup की क्वान्टिटी के करीब आपने लेना है घी. अच्छा जी, घी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है ये. साथ साथ जो है वो डो में क्या क्या जाएगा मैं बता दूँ आपको. डो में जाएगी 1 चुटकी अजवाइन और जाएगा नमक और जाएगा जीरा. ये तमाम चीजें जाएंगी डो के अंदर और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा. थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर इसके अंदर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, दैट्स इट. आ जाते हैं हम अपने आलू के समोसों के बैटर की तरफ कि उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे. तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है आलू और आलू लिए हैं मैंने 1/2 kg मैंने डो लिए और 1/2 ही किलो मैंने आलू लिए हैं यहाँ पर. आलूओं को बिल्कुल अच्छे से आप देख रहे होंगे मैंने मैश कर लिया. तो आपने बहुत अच्छे से वेरी फाइन आपने मैश कर लेने हैं. और साथ साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोरिएंडर, इसके अंदर हम शामिल करेंगे गार्लिक्स, यानी कि गार्लिक को मैंने बिल्कुल चॉप किया हुआ है. साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे अनियन. मोस्टली जो है वो समोसों में अनियन नहीं जाती है, लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हम एक ही जैसी चीज़ें खा खा कर और एक ही जैसी फिलिंग बना बना कर थोड़ा सा बोर हो गए. तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको दूसरी टाइप की फिलिंग सिखाऊँ यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे टाइप की फिलिंग सिखा रही हूँ. तो उसके अंदर प्याज शामिल होगी, वरना मोस्टली आलू के समोसों में प्याज नहीं जाती है. तो यहाँ पर मैंने 1 अदद दरमियानी प्याज थी उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. और प्याज जो है मैंने देखे अब ये बिल्कुल वाइट हो रही है. तो ये जो हम प्याज लेते हैं, मैंने आपको अपने पहले शो में भी बताया था कि जो पर्पल अनियन यानी कि नॉर्मल पर्पल अनियन जो हमारे घरों में हमें नजर आती है, तो उसमें एक आध बिल्कुल वाइट कलर की भी प्याज आ जाती है. तो मैंने वो वाली प्याज अलग करी. और वैसे अगर आप लेना चाहें तो वो केजीज के हिसाब से भी मिलती है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है. तो उसकी बनस्बत आप जो घर में इस तरह से प्याज वालों के पास नजर आए तो आप उसको वेस्ट नहीं करा करें, आप ले लिया करें. वॉन्गटोंग्स बनाते हैं हम, उसमें भी वही शामिल होती है. ये सॉफ्ट होती है, ये घुल जाती है. अगर हम इसकी बनस्बत पर्पल अनियन यूज करेंगे तो वो जो है वो सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी और वो मुंह में आएगी. तो इससे मैंने यहाँ पर लिए व्हाइट अनियन और मैंने इसको चॉप कर लिया है. साथ साथ इसके अंदर सॉल्ट शामिल होगा, इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल होगा, जीरा शामिल होगा, लहसुन का पाउडर शामिल होगा, जर्दे का रंग यानी कि फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ लिया है वो शामिल होगा, हल्दी जाएगी और साथ साथ जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं आपको बता चुकी हूँ, गार्लिक बता चुकी हूँ, प्याज बता चुकी हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, चाट मसाला जाएगा, फ्लेवरिंग के लिए बहुत जायकेदार आलू के समोसे बनेंगे और साथ साथ जाएगा चिकन पाउडर. चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है. और सबसे पहले जो है हम बनाते हैं इसकी डो. और क्योंकि डो बना के हम इसको रेस्ट, थोड़ी देर कोशिश होगी हमारी कि हम इसको रेस्ट दें, तो हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी डो. तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ 1/4 cup है, डो बनाने की भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि किस तरह बनाएंगे. सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने पाउडर जो मेरे पास यानी कि फ्लावर मौजूद है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 teaspoon अजवाइन का, छोटा वाला टीस्पून है. और 1/4 मैंने इसकी क्वांटिटी ली है और मैं इसमें 1/4 teaspoon इसके अंदर मैंने अजवाइन शामिल करी है. बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे. ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 teaspoon.
वन टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरा शामिल किया है। साथ साथ मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून अराउंड लाइक 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाला है, ब्लैक पेपर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। और अब क्या करूँगी मैं, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर ना मैं इस तरह से साइड में करूँगी, इसको थोड़ी सी मैं जगह बना ली, पहले तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से आपने बहुत नाइसली इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स कर लिया आपने सॉल्ट, ताकि अच्छे से अंदर से मिक्स हो जाए और अजवाइन का फ्लेवर आ जाए, जीरे का फ्लेवर आ जाए, सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। जी, तो इस तरह से हमने मिक्स किया है और थोड़ा सा आप बीच में एक स्पेस बना लें, जस्ट लाइक आपने ये स्पेस बना लेनी है। इसकी टेक्निक है और बहुत ज़बरदस्त ये टेक्निक है, इसी से ही आपने बनानी है इसकी डो। डो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिलिंग तो आप कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी तैयार करते हैं, लेकिन इसकी डो की टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ये बना लिया है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और साथ साथ मैं क्या करूँगी, एक वैक्स लिया है मैंने और 1/4 कप मेरे पास जो घी था उसके अंदर मैं 1/2 कप यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप अराउंड वाटर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, घी के अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे पानी को और घी को, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। घी और पानी को आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप ऑयल और पानी को मिक्स करेंगे ना तो ये वाली चीज नहीं आएगी, ये फ्लफीनेस जो है वो घी और पानी को मिक्स करने से आएगी। तो कोशिश कीजिएगा आप घी और पानी को साथ साथ मिक्स करें। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं, काफी देर तक इसको मिक्स करना होता है ना। इसके अंदर फ्लफीनेस जब तक नहीं आएगी, जब तक पानी और घी एक पोजीशन नहीं अख्तियार कर लेगा, जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। तकरीबन देखें इसकी इसकी आप देख लें, बिल्कुल ये एक इसमें पानी और घी जो है ना इसकी फ्लफी हो गया है और बिल्कुल एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद में इसको और मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये क्रीम की तरह से इसकी शक्ल आ रही है। जी, तो अब यहाँ पर मैंने मिक्स किया। अच्छा, अब मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स, क्योंकि हम यहाँ गून रहे हैं आटा, और हम स्लीव्स के ऊपर चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। जी, स्लीव्स मैंने ऊपर चढ़ा ली हैं और यहाँ पर मैं पहन रही हूँ ग्लव्स। और अब हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार सी डो। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक काम कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं आटा रोक लेती हूँ, क्योंकि हमें इसकी डस्टिंग में अगर ज़रूरत पड़े तो हम ले सकते हैं। तो मैं साइड से थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा साइड कर रही हूँ। दोबारा से हम पूल बना लेंगे, साइड करेंगे अपने मैदे को, और ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये देखें आप, इसमें घी और पानी बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है और ये एक पेस्ट सी शक्ल अख्तियार कर। अच्छा, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है,
तो मैंने हाफ इसके अंदर डाल दिया है। अगर मुझे नीट लगेगी तो मैं फिर और ऐड करूँगी, लेकिन अभी मुझे नीट नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा सा रोक रोक के शामिल करें। अच्छा जी, ये यहाँ पर देखें मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरह से इसमें, और अभी हम इसको गूंदेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कमर्शली जो है वो किस तरह से गूंदा जाता है। वैसे तो मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स में होता है ये सारा काम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथों की टेक्निक से ही परफेक्ट तैयार होती हैं। वो मशीन्स वगैरह जो है ना अभी इंसानों से पीछे ही हैं, आगे नहीं हो सकती। अब इसमें मुझे लग रहा है कि नहीं और ज़रूरत है हमें डालने की, तो मैं इसमें ये और ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने रोक लिया, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर शामिल कर दूं। आपने ना इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना बहुत ज़्यादा नरम रखनी है, आपने इसकी मीडियम रखनी है। जैसे कि आप लोग रोटी का आटा गूंथते हैं, तो मैं उससे बता दूँ ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। यहाँ पर हम गूंद रहे हैं और मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिएगा, बाउल मेरा थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। अच्छा, घी इसके अंदर 1/4 कप ही जाएगा 500 की क्वांटिटी में, तो घी हम इसमें और मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे मुझे नीड है इसमें, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसी बाउल में ले लूँगी। इसी बाउल में मैंने लिया है और मैं यहाँ पर ये मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, और फिर आपने इसको भूनने के बाद इसको रेस्ट देना है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही जब तक हम आटा गूंद रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, वीनस एचडीटीवी का यूट्यूब चैनल भी है, कोई चीज़ कोई रेसिपी मिस हो जाए तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं हमारी वीडियोस को, और साथ साथ फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज पर भी जाके आप अपने कॉमेंट्स दे सकते हैं, हमें कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और हमारे नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे। और आज बन रहे हैं आलू के मज़ेदार समोसे, और मेरे और आपके हम सब के फेवरेट समोसे हैं ये, और ये फाइनली जो है हमारी डो तैयार हो गई है। अच्छा, कमर्शियली क्या होता है कि आटा को ना, अब देखिए मैंने एक मुक्की नहीं लगाई, इसमें मुक्की नहीं लगानी, आपने अपने हाथों की मदद से इसको जस्ट ये इस तरह से करना है। ठीक है, ये चीज़ करनी है आपने, आपने इसमें घरों वाली मुक्की नहीं लगानी है। ये देखें, अच्छा इसको गूंदने के बाद ना क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी करते हैं फिटाई, और मैं सिखाती हूँ आपको आज इसकी फिटाई कि हम करते हैं इसकी फिटाई कैसे। तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये बाउल, इसको रख रही हूँ यहाँ टेबल पे, और इसको अभी बाउल में मुझे वापस रखना होगा, इसकी मुझे नीड नहीं है। तो मैं यहाँ इसको, और अपने स्पाइसेस को भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी, और अजवाइन भी हमारी जा चुकी है तो हम इसको साइड कर देंगे, हो सकता है मैं इसको, अच्छा जी ये हम ले लेते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये कमर्शियली आटा इस तरह से टेबल टॉप पे आपने रखा, मार्बल्स पे रखा, ये लाइक दैट। और ये करने के बाद आपने जो है इसको हॉट सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट इसकी डो बनी है। इस तरह से आप इसको टेबल पे ऐसे, ये देखें इस तरीके से
अच्छा जी, ये हमारा आटा गूंद गया है और इसके साथ ही टाइम हो गया है एक ब्रेक लेने का, और हम इसको देते हैं जब तक रेस्ट, और ब्रेक से वापस आएंगे हम और जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी को। और साथ साथ मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी डो तैयार हुई है। इसको आप देख लें, ना ये सख्त है ना ये नरम है। ब्रेक के ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने आलू के समोसे की रेसिपी को। और कहीं नहीं जाना आपने, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और ब्रेक से आ चुके हैं वापस और बन रहे हैं आज आलू के समोसे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बनाई थी डो और साथ साथ अब हम बना रहे हैं आलू के समोसों का बैटर। और ये मेरे पास यहाँ 500 ग्राम आलू उबले हुए हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैंने पैन रखा हुआ है, ब्रेक में मैंने पैन यहाँ पर रख दिया था, स्टोव को ऑन कर दिया था, लेकिन फ्लेम मैंने बहुत ही लो रखी हुई थी। अच्छा, साथ साथ मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और मैं अब सौते करूँगी अपनी प्याज और गार्लिक को। तो मैं यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर एक स्पैचुला, और साथ साथ जो है वो एक अदद मेरे पास जो मीडियम प्याज थी मैं वो यहाँ शामिल कर रही हूँ, और मैंने ये प्याज इसके अंदर शामिल करी है। साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गार्लिक, और गार्लिक मैं इसमें से हाफ डालूँगी और हाफ जाएगा हमारी डिप में। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून चॉप गार्लिक है, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ साथ ये 2 अदद ग्रीन चिलीज थी जिनको चॉप किया हुआ था, और रखने से ये थोड़ी सी ब्लैक हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वरना मैं डिस्कार्ड करके आपके सामने फ्रेश चॉप कर लेती, इसलिए जो है वो मुझे कटिंग जो है वो साथ साथ करनी है पसंद है। लेकिन आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था, हमने डो भी बनानी थी, हमने डिप भी बनानी थी, हमने समोसे फ्राई भी करने थे, इसको फिल भी करना था, तो इसलिए मैंने चॉपिंग पहले से करके रख ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम सौते कर रहे हैं प्याज, गार्लिक और चॉप ग्रीन चिलीज, दैट्स इट। और थोड़ा सा इसके अंदर जब हम क्यूमिन इसके अंदर शामिल करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ क्यूमिन को हम थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर ही क्यों ना शामिल कर लें, तो मैं जो है वो क्यूमिन जो है इसके अंदर ही शामिल कर रही हूँ। और 1 टीस्पून क्यूमिन है वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है, और हम सौते कर रहे हैं। ये थोड़ी सी आज आलू के समोसों की रेसिपी डिफरेंट है, इसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इस टाइम पर इसके अंदर अगर पीनट्स ऐड करना चाहें बहुत, क्योंकि सीज़न अब विंटर सीज़न अपकमिंग है और पीनट्स वगैरह तो मिल रही हैं इजीली, और वैसे भी मिलती हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा पसंद की जाती हैं और खाई जाती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। पीनट्स बहुत फ़ायदेमंद है, साथ साथ इंसुलिन पैदा करती है आपकी बॉडी में। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो ज़रूर जो है ना अपनी डाइट में जो है वो शामिल करें। अगर आप एक मुट्ठी खा लें मतलब पीनट्स, तो बहुत आपके अंदर जो है ना वो एक तो इंसुलिन पैदा करती है और वेट लॉस करने में भी साबित होती है, कारामद साबित होती है। अच्छा, ये मैंने एक से थोड़ी सी फ्लेम को मैं अब ज़रा सा हाई कर लेती हूँ, और मुझे हल्का सा इसको सौते करना है, इसको कुक नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ इसको हमने सॉफ्टन करना है। तो यहाँ पर मैं ये ऐड कर रही हूँ आलू के समोसों के अंदर, जो हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये तकरीबन मैंने सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर प्याज को सॉफ्टन किया है, स्टोव को ऑफ कर दें, इसको हल्का सा मैं ठंडा होने देती हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं आलू के अंदर शामिल करूँगी। गरम गरम भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को ठंडा होने दिया करें। अच्छा, साथ साथ क्रश चिली मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, 1 टेबल स्पून अराउंड क्रश चिली मैंने इसके अंदर ऐड करी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, वो हमारी सॉस में जाएगी। अच्छा, साथ साथ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और सॉल्ट मैं यहाँ पर शामिल करा है मैंने तकरीबन, थोड़ा सा कम डालें आप क्योंकि आपने चिकन पाउडर डालना है, तो मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून डाला है। अच्छा, चिकन पाउडर अराउंड 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्दी टर्मेरिक 1/4 टीस्पून है,
शामिल कर, साथ साथ गार्लिक चॉप्ड गार्लिक भी जाएगा और गार्लिक पाउडर है तो वो भी मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून। चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है तो आपने सॉल्ट का ख्याल रखना है, कम डालना है। चाट मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अब ये फ्रेश कोरिएंडर, और फ्रेश कोरिएंडर शामिल करने से पहले मैं यहाँ पर अब शामिल करूँगी ये प्याज, अनियन सॉरी प्याज, गार्लिक और इसके साथ साथ जो है वो ग्रीन चिलीज और ज़ीरा। ये चार चीज़ों का मिक्सचर है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में मैंने इसको सौते किया है। कलर चेंज नहीं करना आपने प्याज का, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही कलर है प्याज का। अच्छा, इस पैन को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पैन में हम बनाएंगे सॉस इसके साथ। अच्छा जी, साथ साथ जो है वो मेरे पास जो मौजूद है अब यहाँ पर चॉप्ड कोरिएंडर, मैं ये शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और अब हम ग्लव्स लेके इसकी मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, फूड कलर अभी इसमें रह गया ऐड करने से, तो फूड कलर भी मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ साथ ऐड कर दें ताकि उसकी भी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो आपने देखा होगा ऑरेंज ऑरेंज सा उसका अंदर से, तो हम समझ रहे हैं वो हल्दी होती है, वो हल्दी नहीं होती। अगर आप हल्दी ज़्यादा डाल देंगे तो उससे आपके समोसे जो है वो उसमें फ्लेवर हल्दी का आने लगेगा। तो आपको जब कलर की नीड है तो आप इस तरह से फूड कलर यूज कर सकते हैं। कमर्शियली जो है ये फूड कलर और इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत नाइसली, बहुत फाइन आपने जो है इसको मिक्स करना है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अच्छा, सॉल्ट मैं इस पर चेक करूँगी और फिर मैं इसको करूँगी बैलेंस। वैसे इसमें मुझे लग रहा है कि इक्वल होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ, परफेक्ट, एवरीथिंग इज बैलेंस, हर चीज बैलेंस है, स्पाइस लेवल भी बैलेंस है, सॉल्ट भी बैलेंस है, और कोरिएंडर का बहुत जबरदस्त अरोमा आ रहा है। जी, तो ये हो गए बहुत अच्छे से मैश और मिक्स हो गए, और अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रख देंगे, और साथ साथ हम डो की तरफ आएंगे कि डो किस तरह बनेगी। और थोड़ी सी हम ये जगह भी रिमूव कर देंगे, थोड़ी देर हम इसकी सेटिंग रखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ, और यहाँ से मैं जो चीज़ें सिर्फ जाएंगी उसके अंदर शामिल होंगी सॉस में, वो यहाँ पर हम रखेंगे, अदरवाइज हम सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने स्पेस बना ली है, और अब मैं जो है वो बारी है समोसों की डो जो हमने बनाई थी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है, और अब हम उसकी बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉल्स, और इसके हम बॉल्स बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे कि कोई मैं मैदा डस्ट करूँ या मैं कोई ऑयल डस्ट करूँ, लेकिन मैंने मैदा अभी निकाल के रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर जो है ना ऑयल भी रखा हुआ है, तो जिस चीज़ की हमें नीड होगी उस हिसाब से हम साथ साथ करेंगे। अच्छा जी, मैं ऑयल भी गर्म करने रख देती हूँ, और एक बेलन भी ले लेते हैं हम, माचिस चाहिए होगा। अच्छा, ऑयल मैंने यहाँ पर जो है वो गरम करने रख दिया है, ठीक है, ऑयल गरम करने रख दिया हमने साथ साथ, और ताकि जो है ना काम भी हो जाए जब तक हम समोसे बनाएंगे और जब तक जो है हमारा ऑयल गरम हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ये देखें आप स्मॉल साइज़ का पेड़ा लिया है,
और मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए ना इधर रख, थोड़ा सा बेलने के लिए, हाथ चलाने के लिए चाहिए होती है स्पेस। अच्छा, हम इसमें, मैं थोड़ा सा यहाँ डस्ट भी कर लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा आप कर लें। डस्ट कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो ड्राई ड्राई से बनेंगे। इस तरह से आपने इसको बेलना है, और बहुत ज़्यादा ना थिकन बेलना है ना थिन बेलना है, मीडियम रखना है इसको। और यहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक है? ये हमने कट लगाया और इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ से रैप करेंगे और यहाँ से जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम इसमें रखते हैं थोड़ा सा जो है हम इसमें रखेंगे बैटर। अच्छा, ये मैं स्मॉल साइज़ का आपको सिखा रही हूँ, इसके बाद हम बड़ा साइज़ का बनाएंगे, ठीक है? तो अब हम ले लेते हैं एक स्पून और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बैटर। स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो आपने बैटर कम लेना है। इसको हाथ से प्रेस करें, इसको इस तरह से, और ये यहाँ पर आपने क्या करना है, वाटर लेना है, ये पानी है, पानी लेना है, ठीक है? और ये इस तरह से इस पर मैं लगा रही हूँ पानी को। अच्छा, ऑयल यहाँ पर तकरीबन गर्म हो रहा है तो मैं इसकी फ्लेम अभी लो कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो है वो 7 से 8 समोसे तैयार करने हैं। उसके बाद हम ये आपने इस तरह से करना है और साथ साथ जो है हमने इसको देना है यहाँ पर शेप समोसे का। ये स्मॉल साइज का है, अभी मैं आपको बड़े साइज के भी बनाने सिखाऊंगी। ये आपने इस तरह से इसको हाथों की मदद से फिंगर से प्रेस किया यहाँ से थोड़ा सा। अच्छा, समोसों की आपने जो पानी लगाएंगे बिल्कुल सही से चेक कर लेंगे, अगर समोसे कढ़ाई में जाके खुल जाते हैं तो वो आपके बाकी के समोसों को भी ख़राब कर देते हैं। अगर एक समोसा भी खुल जाता है तो वो आपके बाकी के समोसों को भी ख़राब कर देता है, ठीक है? ये आपने फोक से इस पे लगाने निशान। तो ये हमने बनाया है स्मॉल साइज़ का समोसा, और मैं ले लेती हूँ एक बर्तन, इसमें हम बना के रखते जाएंगे। इस तरीके से सेट कर ले आओ तो ये थोड़ा सा इनका शेप भी बेटर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको रखते जाते हैं, बल्कि मैं इसको, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये एक और हमारे पास जो बचा हुआ था, इसका भी हम जो है स्मॉल साइज का ही हम बनाएंगे, ठीक है? और फिर मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा बड़ा समोसा बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा मिनी सा आपने इसमें रखना है और ये इस तरह से पानी लेना है। फूड कलर लगा हुआ था इसलिए ये ऑरेंज कलर आ रहा है, और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से इसको आप डबल करें, यहाँ से इसको पैक करें, यहाँ से इसको, ये इस तरीके से, ये बाइट साइज समोसे कहलाते हैं, ठीक है जी? और इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बड़ा समोसा, जो आलू का कमर्शियली बड़ा समोसा होता है, वो किस तरह बनेगा तो वो भी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम उसमें लेंगे मैदा ज़्यादा। अच्छा, साथ साथ जब तक मैं ये बना रही हूँ, और कुछ एक आध समोसे मैं आपके सामने ब्रेक से वापस आके भी बनाऊंगी और कुछ समोसे हम ब्रेक में बना के रखेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना, और बन रहे हैं यहाँ पे आज आलू के समोसे।
टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और आलू के समोसे मैंने कुछ ब्रेक में बना के रख लिए थे, बड़े वाले भी दो स्मॉल आपको सिखाए थे, तो मैं भी आपको साथ साथ सिखा दूं कि बड़ा वाला समोसा भी किस तरह से बनता है जो हम यूजली देखते हैं और खाते हैं। तो आपने सिंपल उसी तरह से आपने बेलना है एक राउंड, और ये आपने राउंड ना अच्छा दो आपने बहुत ज्यादा ना पतली करनी है ना आपने बहुत ज्यादा थिक रखनी है, ठीक है, मीडियम आपने इसको रखना है, और पतला तो आपने बिल्कुल नहीं करना और मोटा भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा साथ साथ ये हमने करा है इसके अंदर, अच्छा हमने उसको काटा था, कट किया था, इसको हम कट नहीं करेंगे। अब इसमें हम बैटर रख रहे हैं अपना, और अब यहाँ से एक साइड वाटर लगाएंगे हम के अंदर, और यहाँ से ये दूसरी साइड। अच्छा वाटर लगा लें आप इधर भी, अच्छे से इसको दोनों साइड से पैक कर लें अपने समोसों को। उसके बाद आपने इसको उठाना है इस तरीके से, उठाने के बाद आपने इसको यहाँ पर कवर करना है, नीचे भी आप इसके वाटर लगा लें ताकि ये आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, ठीक है जी। ये देखें ये हमारा यहाँ से समोसा तैयार है, यहाँ पर हमने कट लगा रहे हैं। अच्छा फ्लेम जो है हमारी वो हुई हुई थी, और मीडियम हमने करा हुआ था, समोसे हमेशा आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने, हाई फ्लेम पे नहीं करने, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और समोसों पे बबल्स जो है वो आपके आ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है बबल फ्री, थोड़े बहुत तो आ जाते हैं नो इशू, लेकिन कोशिश करनी है बबल फ्री समोसे बनाने की, ठीक है। और अब यहाँ से मैं इसको उठा रही हूँ, और ये मैंने अभी थोड़ा अभी बनाया है ये वाला, कहीं से आपको ओपन नजर आए आपने उसको उसी वक्त ही अपने फिंगर से प्रेस कर लेना है, खुले नहीं समोसे। अच्छा साथ साथ जो समोसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले बना के रखे हुए थे स्मॉल वाले, तो ये स्मॉल वाले जो समोसे हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये देखें थोड़ा सा मुझे आई थिंक लग रहा है कि बॉल में पानी था। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है, और अभी हम फ्लेम को और स्लो कर देंगे। ऑयल हमने ये उठाया, ये देखें ये आपने इस तरीके से यहाँ पर समोसे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे, बस इतने डालेंगे कि जितने आ जाए हमारी कढ़ाई में, और ये जस्ट ये समोसे हमने डाल दिए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आ जाते हैं हम अपनी सॉस की तरफ, क्योंकि हमें सॉस भी बनानी है, और सॉस बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। समोसे देखें अपनी जगह फ्राई हो रहे हैं, और फ्लेम को मैंने देखें स्पून नीचे ला रही हूँ मैं, ये आपने इस तरह से उठाना है, और आपने हल्के हल्के स्लो स्लो बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है। अगर आप झट झट से स्पून चला देंगे, जल्दी जल्दी इसको फ्राई करने लगेंगे, तो इसमें बबल्स आ जाएंगे जो कि इसकी सारी लुक को ख़राब कर देंगे, और जो है वो मतलब अंदर से फ्राई भी नहीं हो पाएंगे, सिर्फ ऊपर से कलर आ जाएगा और आपको निकालने पड़ेंगे, वरना आपको लगेगा कि ये जल गए। अच्छा यहाँ पर मैंने पैन को ऑन कर दिया है, लो फ्लेम रखी हुई है। केचप मेरे पास यहाँ मौजूद है 1/4 कप, 1/4 कप मैंने यहाँ पर डाला है केचप। आप सोच रहे होंगे आज केचप से कौन सी जो है ना डिप बन रही है। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, स्वीट चिली सॉस बन रहा है, क्रश चिली, फ्रेश चॉप्ड गार्लिक, और साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पर शुगर। अच्छा पहले मैं इसमें अंदर शामिल कर लूँ शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शुगर ली है। अब हम इसको करेंगे मिक्स, प्लेन केचप लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने गार्लिक चॉप डाला है, और साथ साथ मैंने शुगर डाली है, और जो है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, और इसको आपने कुक करना है। जब तक ये कुक्ड होगा जब तक हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, इसको आपने इस तरह से छोड़ देना है कुक करने के लिए, ताकि गार्लिक वगैरह सब चीनी हर चीज़ डिसॉल्व हो जाए और ये कुक्ड हो जाए। तो इसकी फ्लेम को आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। अच्छा साथ साथ आ जाते हैं समोसों की तरफ, और देख लेते हैं उसकी क्या पोजीशन है।
और मैंने एक टोंग भी ले ली है और मैंने लिया है एक यहाँ पर स्पून, और अगर मुझे इसको पलटने की नीड लग रही है तो मैं इसको पलट लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको अब मुझे पलटना चाहिए। और ये बन रहे हैं गर्मा गर्म मज़ेदार क्रिस्पी आलू के समोसे। जबरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है, सॉस भी हमारी तैयार हो रही है साथ साथ। अच्छा, अब मैं ये जो चीज़ें मुझे जिन चीज़ों की नीड नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, ये ऑयल है मेरे पास, मैं इसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इसी में शामिल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रही थी कि आपको, ठीक है जी, और ये समोसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका कलर आया है। और देखें, समोसों की बाइंडिंग हमने इतने अच्छे से की थी कि कोई चीज़ भी जो है खुली नहीं है, कोई भी समोसा हमारा खुला नहीं है। अच्छा, साथ साथ जो है वो यहाँ पर ये कुक्ड हो रहा है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ थोड़े से आप लोगों को नमक पारे सिखा दूँ, तो यहाँ पर जो है वो हम एक पेड़ा लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े से बनाऊँगी सिर्फ बताने के लिए कि इसी डो से नमक पारे भी बनते हैं। अच्छा जी, इसको आप बेल लें, प्रोग्राम का टाइम भी असल में कम है, और अगर मैं फ्राई कर सकी तो ज़रूर फ्राई करके दिखाऊँगी, अदरवाइज़ प्रोग्राम आपको पता है लाइव शो होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो आपने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। अच्छा, साथ साथ सॉस को भी देखेंगे हम, और सॉस हमारी होती जा रही है, सब मुँह से हमारे हो गए हैंगे, हम इनको निकाल लेंगे ताकि हमारे समोसे जल्दी से, मैं यहाँ पे समोसे निकाल रही हूँ, सबसे पहले तो ये छोटे वाले, देन ये, जी। तो यहाँ गर्म गर्म आलू के समोसे हो गए हैं तैयार, फ्लेम को मैंने कर दिया है थोड़ा सा लो, और हम कटिंग कर लेंगे अपने नमक पारों की। तो इसको आपने इस तरह से, अच्छा मैं स्क्वायर वाले बना रही हूँ, थोड़े से थोड़ी सी डस्ट डालेंगे, डस्ट डाल दी मैंने अभी जल्दी जल्दी में, जी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आ गए, मैं दो चार बस आपको डाल के मैंने सिर्फ टेक्निक दिखानी है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। तो ये स्मॉल स्मॉल से हम यहाँ डाल लें, क्योंकि हमें प्लेटिंग भी करनी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम। अच्छा, साथ साथ ये सॉस भी हो गई हमारी तैयार, स्टोव को मैंने ऑफ कर लिया है, बहुत मज़ेदार बनती है ये, ठंडी होके थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये नमक पारे हमने यहाँ पर, अच्छा जी, बस इतने ही हम बनाएंगे, और देखेंगे फूल के जो है ना ऊपर आने शुरू हो गए, ये देख रहे हैं आप लोग। साथ साथ जो है वो मैं ले लेती हूँ एक प्लेट, और प्रोग्राम को करते हैं हम ख़त्म। अच्छा, आप देखें जल्दी जल्दी से जो है मैंने ये थोड़े से इस तरह से फ्राई कर रही हूँ मैं नमक पारे, इस पर कलर आएगा जब तक हम अपनी प्लेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि सारे काम साथ साथ हो जाएँ, क्योंकि टाइम है थोड़ा सा शॉर्ट। और यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, प्लेट ले लेंगे हम एक अदद, और यहाँ ये हम थोड़ी सी सॉस इसके अंदर, सॉस हमने डाली थी। अच्छा, साथ साथ जो समोसे हैं हमारे ये ले लेते हैं हम, जल्दी जल्दी में जो है,
और ये मिनी समोसा, मिनी समोसा नहीं रखते। अच्छा नमक पारे भी मैं दिखा दूँ आपको, और इसके साथ ही जो है आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। और आई होप आपको आज का हमारा प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम कल आपसे मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। मैं बस इसको निकाल लूँ, बहुत हल्का सा, इसमें नमक पारों में तेज़ नहीं करना आपने, नमक पारों का कलर हल्का होता है। बस दो चार मैं ये उसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसके साइड में, आपको सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए। वैसे आप इसको स्ट्रेनर में अच्छे से डाल के ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही हमारी आज की जो है वो रेसिपी हो गई है डन, और इसके साथ आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गरम गरम समोसे यहाँ तैयार हैं, इंजॉय कीजिए डिप के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।